विश्व जूली 5 में आपका स्वागत है। मैं वैष्णवी जूली एक्सपर्ट। आज हाँ मैं आपको सोने की धातु के शुद्धता के बारे में जानकारी दूंगी। सोने की शुद्धता वैसे तो अनेक प्रकारों से मापी जाती है, लेकिन जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो कुछ शुद्धता के मापदंड होते हैं। वैसे तो सोने इस धातु के कैरेट में मापी जाती है। कैरेट इस शब्द के दो मतलब जोड़े क्षेत्र में आते हैं, एक शुद्धता के रूप में, दूसरा मौल्यवान रत्नों के वजन इत्यादि के बारे में बोला जाता है। आज हम सोना इस धातु के कैरेट के बारे में जानेंगे। पूरा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसमें सोने का मात्रा 99.50% होती है। दूसरा 22 कैरेट, जिसमें सोने की मात्रा 91.66% होती है। तीसरा 20 कैरेट, जिसमें सोने की शुद्धता 83.33% होती है। तीसरा 18 कैरेट, जिसमें सोने की शुद्धता 75% होती है। इस प्रकार के देश में प्रचलित सोने के मापदंड है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हाय गाइस, विश्व जूली 5 में आपका स्वागत है। मैं वैष्णवी जूली एक्सपर्ट। आज हाँ मैं आपको सोने की धातु के शुद्धता के बारे में जानकारी दूंगी। सोने की शुद्धता वैसे तो अनेक प्रकारों से मापी जाती है, लेकिन जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो कुछ शुद्धता के मापदंड होते हैं। वैसे तो सोने इस धातु के कैरेट में मापी जाती है। कैरेट इस शब्द के दो मतलब जोड़े क्षेत्र में आते हैं, एक शुद्धता के रूप में, दूसरा मौल्यवान रत्नों के वजन इत्यादि के बारे में बोला जाता है। आज हम सोना इस धातु के कैरेट के बारे में जानेंगे। पूरा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसमें सोने का मात्रा 99.50% होती है। दूसरा 22 कैरेट, जिसमें सोने की मात्रा 91 22 कैरेट जिसमें सोने की शुद्धता 99